हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। नई सुबह नई सवेर। तो अभी नेल्सन में ही हैं हम। तो जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि जो हमारा टायर था फट गया था रास्ते में, तो पंचर हो गया था। मैं यहाँ पे आया था ये की नाम पर टोनी टायर पे आया था गौरव जी के पास। तो जैसे इन्होंने टायर देखा, टायर तो बिल्कुल ही चला गया है। अब हमको नया टायर डलवाना पड़ेगा, जो हमें पड़ रहा है 220 न्यूजीलैंड डॉलर का। एक फटका और लग गया सुबह सुबह, तो कोई बात नहीं, मैं टायर का हालात दिखाता हूँ। तो ये देखिए गौरव जी के हाथ में ना जो चूरा चूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया है अंदर टायर के। ये पंचर लगेगा ही नहीं इसको, तो अब नया टायर ही डलेगा। तो ये देखिए नया टायर वो लड़का वहाँ पर डाल रहा है। थोड़ी सेफ्टी रहेगी तो नया टायर डलवा लेते हैं और आपको मिलते हैं। कैसे जब जैसे ही नया ट्रिप शुरू होगा, आज जाने हैं ग्रे माउथ, तो आपको होटल में जाके मैं मिलता हूँ। बच्चे और जैस तैयार हो रहे हैं अंदर, और हमने धर दी है अपनी कैंपर वैन में आ गया हूँ, क्योंकि एक होटल में है किचन की फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए तो कैंपर वैन ली जाती है। हमने जो चाय धर दी है आज, इंडियन वाली चाय पियेंगे, क्योंकि दो दिन हो गए हैं हमने इंडियन चाय नहीं पी। गोरो वाली चाय पी पी के हम उब गए थे, हमें चाहिए कड़ी हुई चाय। तो इस कैंपर वैन में तो गैस चल रहा है, आप भी देखिए, देखते हैं कितना तेज होता है। तो फुल स्पीड पे कर देते हैं इसका, ताकि ये तो स्लो हो गया। हाँ, यहाँ पे ये तो बंद ही हो गया। इसमें डालेंगे दो इलायची और अदरक, तभी बनेगी हमारी इंडियन चाय। तो चाय में डाल दिया है दूध। यहाँ पे ना चाय की ये पुड़ियाँ से मिलती हैं, तो हम पुड़ियों से ही बना देंगे, क्योंकि छानने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती और काफ़ी स्ट्रांग भी होती हैं। इंडिया जैसी ही होती हैं, खुली चाय जैसी ही स्ट्रांग होती हैं। गैस थोड़ा सा घर के जितना तेज तो नहीं है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। हमें तो चाय से मतलब है, चाय हमारी बन जाएगी। लो जी, चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है 5 मिनट में ही। तो अब अंदर लेकर चलते हैं चाय, जो हम बेकरी की आइटम कल लाए थे उनके साथ खाएंगे। चाय ने देखो जी क्रीम क्रीम निकाल के खा ली है। चाय सहज पी ली, चाय पी ली, पता चाय हमने पी ली है। और बेकरी की आइटमें जो कल लाए थे बहुत काम आई। आज तो हमारा अच्छे वाला ब्रेकफास्ट हो गया है, और पिज़्ज़ा भी रात जो बाद में हमने मंगा लिया था, हमको भूख लग गई थी, क्योंकि डिनर हमने कर लिया 5 बजे 10 बजे, फिर भूख लग गई, तो रात को हमने पिज़्ज़ा भी मंगा लिया था होटल में ही। थोड़ा सा खाया था, 2 पिज़्ज़े थे, तो एक पूरा बच चुका है तकरीबन, थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड बच चुका है, ये हम साथ में ले लेंगे। हमने कर लिया है अपने नेल्सन वाला जो होटल है उससे चेकआउट। सुबह लग चुका है हमें 11,000 का फटका, लेकिन टेंशन नहीं, पूरे खुश हैं, मज़े में हैं, छुट्टियों पे हैं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। हम बढ़ रहे हैं आज ग्रे माउथ की ओर, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ देखने वाला आने वाला है, तो देखते हुए चलेंगे। बड़ा प्यारा शहर है जी नेल्सन, और जो आगे वेस्ट कोस्ट आने वाला है वो उसकी तो कहने ही क्या, वो इससे भी ज़्यादा प्यारा होने वाला है। तो आपको भी दिखाते हैं वेस्ट कोस्ट के नज़ारे, बस बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। लो जी, ये सामने ना एक पहाड़ आया है, नेल्सन के अंदर ही होगा शायद ये, मैंने तो समझा कि ख़त्म हो गया, जैसे ही टर्न लूंगा आपको दिखाई देगा। इतने सुंदर घर, ये पहाड़ पूरा घरों से भर रखा है इन्होंने, इतनी सुंदर लोकेशन आई है नेल्सन के अंदर। मैं तो सोच रहा था कि नेल्सन एक छोटा सा शहर है, नेल्सन तो काफ़ी बड़ा शहर निकला। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से घर हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ना इनको समंदर का व्यू होगा उस पहाड़ी के पीछे, क्योंकि समंदर जो है नेल्सन के अंदर ही है, तो समंदर का किनारा लगता है नेल्सन को। तो आगे चल के शायद हमको भी समंदर के किनारे किनारे चलना है, तो समंदर इनके लिए व्यू होगा, इसीलिए इन्होंने पहाड़ी पे घर बना रखे हैं। नेल्सन के बाद जो पहला शहर आया है इसका नाम है रिचमंड। तो रिचमंड में शायद कोई रिच लोग रहते होंगे, इसीलिए इसका नाम रिचमंड रख दिया। चलो ये तो मजाक कर रहा हूं मैं। तो रिचमंड जो आ चुका है ये देख लीजिए, ऐसे ही है न्यूजीलैंड के शहर, कोई बड़ी बिल्डिंगे नहीं है, कोई ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है, गाड़ियाँ मिल रही हैं। सुबह का समय है, मंडे का दिन है, लोगों ने काम पे जाना है,
तो समय 10:30 हो चुका है, कोई लोग लेट शुरू होते होंगे, लेकिन यूजली जो शॉप्स हैं 7:30-8 बजे खुल जाती हैं। तो मंडे का दिन है, स्कूल हॉलीडेज़ हैं, इसीलिए हम घूमने के लिए निकले हुए हैं, तो लोग जो शॉप्स पे जा रहे होंगे, कुछ खाने पीने के लिए जा रहे होंगे, इसीलिए कुछ कार्स दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज इतना ट्रैफिक नहीं रहता कि आप जैम में फंस गए। बड़े शहरों ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च में आपको मिलेगा ट्रैफिक, वेलिंगटन में था, लेकिन ये तो छोटे छोटे शहर हैं, खूबसूरत से शहर हैं। मैकडोनल्ड मुझे हर शहर में दिख जाता है, बच्चों के हर, ये बच्चों की फेवरेट है थिंग है ना, तो यहाँ पे बर्गर बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए शायद बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं ये। टाउन सेंटर है इस साइड, माफ करना रिचमंड, आपके टाउन सेंटर को तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें बढ़ना है आगे की ओर आज। देखिए अंग्रेज लोग जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं अंग्रेज लोग। ये आ गया है जी वेकफील्ड, अनदर शहर आ गया है नेल्सन से ग्रेमाउथ के रास्ते पर। तो ये भी छोटा सा शहर ही लग रहा है। हाँ, तो शॉप्स वगैरह तो अभी तो दिखाई नहीं दी, शायद आगे होंगी या शहर के अंदर होंगी। तो काफी पुराने से घर हैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये गांव होगा, साउथ आइलैंड का गांव कह लीजिए इसको। वेकफील्ड्स की दुकानें ये देख लीजिए, एनपीडी का गैस पेट्रोल पंप आ गया है, और यही दुकानें मिली हैं, शायद आगे हों तो कुछ कह नहीं सकते पीछे, लेकिन हाउसिंग काफी मिली है वेकफील्ड शायद ना अंदर जाके। हाँ इस साइड है शॉप्स दिखाई दे रही, तो ये लिखा भी हुआ है, ये क्या लिखा है, विला है, ये तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे। तो ये रही अंदर जाके है सारी इस साइड है शॉप्स दिखाई देगी। वेकफील्ड भी यानी के अच्छा, यानी अच्छा खासा बड़ा टाउन था, विलेज नहीं था ये, यहाँ वेकफील्ड हो जाता है खत्म। सहज और बानी की पूरी चल रही है मस्ती पीछे, तो हम दोनों बैठे हैं आगे। इस वैन का ये भी है कि ये पूरे जो सहज और बानी है पूरे एंड पे जाकर बैठे हुए हैं, गैराज के पास पास नहीं है, तो हमें काफी लाउड बोलना पड़ता है, उनको भी काफी लाउड बोलना पड़ता है अगर कुछ चाहिए तो। पर है अच्छे से, सीट वगैरह लगी हुई है, काफी कंफर्टेबल सीट है, पूरा आराम से बैठे हैं, पूरा मजा ले रहे हैं। उनके पास कप होल्डर है, म्यूजिक के लिए उनके पास स्पीकर है, वहां पे यूएसबी चार्जिंग है, तो सभी कुछ है उनके पास, अमेनिटीज अभी है उनके पास भी। इस साइड तो आपको पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़ मिल रहे हैं, काफी पहाड़ी एरिया है, खूबसूरत सा रास्ता है, जो सारा पहाड़ी एरिया था आज भी पहाड़ी एरिया ही है, तो सारा खूबसूरत एरिया है, बहुत मजा आ रहा है ड्राइव करने का। मैं तो भाई धीरे धीरे चला रहा हूँ, 90 पे 80 पे 100 के जोन में भी, क्योंकि अच्छे से सेफली ड्राइव कर रहा हूँ, और जैसे ही कोई गाड़ी पीछे आती है क्योंकि 100 का जोन हो तो उसको मैं साइड पे लगा के पास होने देता हूँ। और एक बात और पता चली कि जब वो दो बार हॉर्न बजाते हैं टी, इसका मतलब होता है थैंक यू, तो ये भी हमको पता चल गया, क्योंकि जैसे ही हम पास देते हैं वो दो बार हॉर्न बजा के जाते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद, आज हम थैंक यू करा रहे हैं। और आप बाहर देख लीजिए खूबसूरत व्यू, लो जी ये हो गया, देखिए कैसे दोनों तरफ जंगल का एरिया, सामने पहाड़ आपको जैसे बता रहा हूं, और क्या खूबसूरत नजारा है, पूरा आनंद आ रहा है। मैं कह रहे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, 1.5 साल के बाद इतनी लंबी हॉलीडेज पे आए हैं। अब थोड़ा सा जो है प्लेन एरिया शुरू हो गया है, वो पहाड़ तो है आजू बाजू, लेकिन जो सड़क है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधी है, काफी समय के बाद ऐसी सड़क देखने को मिली है, नहीं तो जो मोड़ घोड़ वाली सड़क वही थी, अब आ गया है प्लेन एरिया,
और सामने कैमरे से आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि काफी वाइड एंगल मैंने लगा रखा है, और सामने जो पहाड़ों पे मुझे बर्फ दिखाई दे रही है, जैसे ही हम पास में पहुंचेंगे ना आपको दिखाता हूँ बर्फ की पहली झलक। पूरी चढ़ाई है जो खड़ी चढ़ाई कह सकते हैं ना वो शुरू हो चुकी है, और ये देखिए कितना ऊनी मोड़ शुरू हो गए हैं, फिर काफी धीरे धीरे से गाड़ी जा रही है हमारी, और कोई इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, कोई हमें फॉलो नहीं कर रहा, हमें कौन सी जल्दी है, छुट्टियों पे आए हैं तो कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। ये देखिए कैसे ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, शायद पहाड़ों को क्रॉस करेंगे, उसके बाद कोई सुंदर सा व्यू दिखेगा, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी इतनी चढ़ाई होती है तो सामने कोई ना कोई, जैसे ही हम टॉप पे पहुंचते हैं बहुत ही सुंदर व्यू होता है वहां से। रोड काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है रोड, काफी वाइड है, तो ये जो स्लो स्पीड वाले मोड़ है ये भी आसानी से कट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही पूरी चढ़ाई आती है ना उसके बाद बहुत ही सुंदर व्यू आता है, तो यहाँ पे हम व्यू बहुत सुंदर आ रहा था तो इसीलिए मैं रुका हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कितना सुंदर है यहाँ का व्यू। तो वैन हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, तो जी ठंड बहुत है यहाँ पे, तो मम्मी जैकेट डाल रही है, और जो हमारा बग्गा शेर है ना उसको जैकेट पसंद नहीं है, ये देखिए इसको जैसे ही जैकेट डालो ये रोने लग जाती है। क्यों रोते हो बेटा, रोना नहीं है, नो नो नो, ओके क्यूट क्यूट क्यूट। ओ जी ये है जी व्यू, यहाँ से देखिए दूर दूर तक हरा भरा जंगल, और सामने ऊंचे पहाड़ों पर पड़ी हुई है बर्फ, ये सामने स्नो पड़ी हुई है, मैंने कहा था ना कि स्नो हमें दिखाई दे रही है, अब आप भी देख लीजिए ये स्नो की पहली झलक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको स्नो ही स्नो मिलने वाली है, और खूबसूरती ही खूबसूरती मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे, थोड़ा समय यहाँ पे रुकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चलने का नाम ही तो ज़िंदगी है। ये देखिए पेंडे की तरह लग रहा है, ओए पेंडे ए है जी जैकेट पर तो ऐसी है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू बताओ वही है, इट्स कॉल आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट ओवर हियर, बट इट्स अ व्यू ब्यूटीफुल व्यू। उस सुंदर से लुकआउट पे काफ़ी टाइम बैठने के बाद हमने कर दी है आगे की जर्नी शुरू, तो रोड ही क्या बताएं कितने सुंदर हैं, नीला आसमान, काली सड़क और बीच में पीली पीली जो लाइन है बहुत ही सुंदर, जो कलर ग्रेड हो रहा है, कलर मैचिंग हो रही है, क्या बताएं। मैं आपको बता दूं कि आदमी का ना छुट्टियां बिताना भी बहुत ज़रूरी है, हम जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, काम धंधों में फंस जाते हैं, और जीवन यूं ही चलता जाता है, उम्र जो है अपनी चाल चलती रहती है और हमको पता ही नहीं चलता। ये छुट्टियां मन में तन में दिल में नई स्फूर्ति भरती हैं, नई एनर्जी भरती हैं और जीवन को फिर से तरोताज़ा कर देती हैं, इसीलिए जीवन में छुट्टियां होना बहुत ज़रूरी है, हॉलीडेज़ होना बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इसीलिए जब भी समय मिले तो घर से निकल जाया कीजिए और इन्जॉय किया कीजिए। शहर आ गया है, इसका नाम शायद क्या था, मुचिज्म था ना, ये लिखा है मुर्चिजन, मुर्चिजन इसका नाम है, काफी वियर्ड सा नाम है शहर का, लेकिन पहाड़ों में बसा हुआ है, नाम से क्या है, गाँव में तो खूबसूरती से है, खूबसूरती तो बहुत है भाई खूबसूरती, हम तो जैसे जैसे साउथ आइलैंड में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बस जी बस, वाह वाह वाह, यही मन से निकल रहा है कि क्या खूबसूरत शहर है। तो ये आ गया है एक और छोटा सा शहर, हंगरी है लेकिन चाहिए खाने के लिए क्या, आइसक्रीम, आइसक्रीम पता हंगरी नहीं होता, आइसक्रीम का टेट थोड़ा पंदा, ओके नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट सिटी जब आओगी पक्का प्रॉमिस तेरे को आप लेके देंगे हम आइसक्रीम। कितना सुंदर ये रास्ता है, कितना सुंदर हर एक किलोमीटर है, कि हर एक किलोमीटर में हमारी एक सुंदर सी मेमोरी बन रही है जो कि ता उम्र हमें हमेशा याद रहेगी। इतना सुंदर रास्ता, इतना सुंदर जो सफ़र है, क्या कहना है इस बात का।
दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि नहीं तो ये घंटों में तब्दील हो जाएगा। कुछ कट भी करते हैं तो जस्टिस नहीं होता, पूरा दिखाते हैं तो आपको बोरिंग लगेगी। इसीलिए इस सुंदर से रास्ते पे इस सुंदर सी वीडियो को ख़त्म करने का समय आता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सील कलोनी, और उसके बाद आने वाला है जो वीडियो उसमें दिखाएंगे आपको पैनकेक्स रॉक्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय। जहाँ पे मेरी फिंगर है ये सारी सील्स हैं, ये देखिए मूव भी हो रही हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारी सील्स कलोनी इसी लेकर जाता है।